ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग हैं, कभी वो बता रहे हैं कि चाहिए, कभी बता रहे हैं नहीं चाहिए। फॉरेन ऑफिस और दूसरे एजेंसीज़ के बीच में भी हमें लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंस है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक MOU है, उस MOU को अभी बदला नहीं गया है और MOU यूनिलैटरली बदला भी नहीं जा सकता है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि उस MOU में लिखा गया है कि पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा भी होगा, ये जो हमने ये प्रेस रिलीज इशू किया था उसमें लिखा है पिलग्रिम्स नीड टू कैरी ओनली अ वैलिड पासपोर्ट, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन नीड टू कैरी OCI कार्ड। सो वी अभी फिलहाल जो है हम इसी बेसिस पे जा रहे हैं कि जो भी पिलग्रिम्स इस जर्नी को करना चाहते हैं वो अपना पासपोर्ट साथ लेके जाएं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਚ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।